एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड में कैसे हम स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। एमएस वर्ड में स्क्रीनशॉट का ऑप्शन 2010 के ऊपर ही आता है, मीन 2010 के एवर के वर्जन में ही स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आता है। इसके नीचे यानी 2007-3 में ये ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो नॉर्मली यदि हमें किसी भी इमेज का या ऑब्जेक्ट का या विंडोज़ का स्क्रीनशॉट करना होता है तो कीबोर्ड से हम प्रेस करते हैं, यहाँ एक की दिया रहता है जिसका नाम होता है प्रिंट स्क्रीन। तो इसको जब हम क्लिक करते हैं इसके बाद वो आपका स्क्रीनशॉट हो चुका है। अब स्क्रीनशॉट के इमेज को यानी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपने क्या प्रेस करना है, Ctrl+V। तो जो भी आपका स्क्रीनशॉट रहेगा वो आपका आ जाएगा पेज पर। तो ये तो रहा हमारा नॉर्मल स्क्रीनशॉट कि कैसे हम कीबोर्ड से कर सकते हैं, ये आप सब पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम सीखते हैं एमएस वर्ड में इंसर्ट में ऑप्शन दिया गया है स्क्रीनशॉट का, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो पहले इसको हम सेलेक्ट करते हैं और डिलीट बटन प्रेस कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है स्क्रीन क्लिपिंग का, इसको आपको बस वन क्लिक करना है और आपके पीछे जो भी विंडोज़ खुले रहेगी वहाँ पे आपको एरिया को सेलेक्ट करने के लिए देगा। मीन्स आप इसको फ्री ट्रांसफॉर्म इसको किसी भी तरीके से सेलेक्ट करके उसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो। तो यहाँ मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया और फिर माउस को हम यहाँ से छोड़ देते हैं। तो जितना हमने सेलेक्ट किया है यहाँ पर ये इसका स्क्रीनशॉट आ गया है। जब भी स्क्रीनशॉट ले आते हैं यहाँ पे मीन पेज पर इंसर्ट कराते हैं तो इसी के साथ साथ हमारा एक ऑप्शन ओपन हो जाता है जिसका नाम है फॉर्मेट। यदि आप इसको सेलेक्ट नहीं रखोगे, बाहर ही क्लिक रखिएगा, तो वो ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। जब भी किसी इमेज को या ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिएगा तभी ये ऑप्शन आपका दिखेगा। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन के द्वारा इस ऑब्जेक्ट की सेटिंग कर सकते हैं। जैसे यदि आपको फ्रेम देना है या पिक्चर्स में कोई बॉर्डर लगाना है, कलर चेंज करना है, या फिर कलर यहाँ से आप ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, इस तरह सेचुरेशन, स्टोन, रीकलर यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, हम Ctrl+Z कर देते हैं, पहले जैसा हो जाएगा। यहाँ आप पोजीशन सेट कर सकते हो कि पेज पर आप इसे कहाँ रखना चाहते हो। जैसे हमने इसको पहले थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक है, यहाँ हमने इसको थोड़ा छोटा कर दिया। अब हम पेज पे इसकी पोजीशन यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि आप पेज पर इसे कहाँ पर रखना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ से इसके बाद यहाँ पे इसका करेक्शंस यहाँ पे दिया है। यदि आपको थोड़ा सा लाइट डार्क करना है तो आप यहाँ पे इसका इफेक्ट डाल सकते हो। तो ये रहा आपका नॉर्मल स्क्रीनशॉट। इसके बाद यहाँ पे दोबारा जाइएगा और यहाँ पे सिर्फ अभी एक ही ऑप्शन दिख रहा है। यदि हम इस एमएस वर्ड के पीछे कोई और सॉफ्टवेयर खोल लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे खोल लिया नोटपैड, यहाँ पे हम खोल लेते हैं नोटपैड। ठीक है, यहाँ नोटपैड को ओपन कर लेते हैं, हम अपने एमएस वर्ड पे ही आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो जो भी हमारा अदर सॉफ्टवेयर या विंडोज़ खुला रहेगा यहाँ पे आपका शो होने लगेगा। यहाँ पे बस आपको वन क्लिक करना है, ऑटोमेटिक उसका स्क्रीनशॉट होकर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका मूव नहीं हो रहा है, इसके लिए आपको जाना है टेक्स्ट ड्रॉप में और किसी को भी अदर ऑप्शंस को चूज़ कर लेना है। तो इस तरह से आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप देखिए ये ऑटोमेटिक पूरे सॉफ्टवेयर के विंडोज़ को यहाँ पे कॉपी करके ला दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम दो सॉफ्टवेयर एक और खोल लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमने खोल लिया वर्ड पैड ओपन कर लेते हैं, हम आ जाते हैं अपने एमएस वर्ड पे और जो भी हमारे पास इस टाइम स्क्रीनशॉट है इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको हम अभी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब हम इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ आप दे सकते हो यहाँ पे नोट पैड भी ओपन है और वर्ड पैड भी ओपन है। तो आप जिस पर भी क्लिक करोगे इसका स्क्रीनशॉट इस पेज पर आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे कर लिया वर्ड पैड, तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट आ चुका है। अब इसी के साथ इसकी यदि आपको फॉर्मेटिंग करनी है तो यहाँ पे वही दोबारा चीज़ दी गई है। यदि आपको करना है कलर या फिर पोजीशन या यहाँ पे किसी भी तरह का इफ़ेक्ट डालना है, जैसे यहाँ पे बेवल दिया है, बेवल क्या करता है थोड़ा सा इमेज को उभारता है। तो यहाँ पे जब आप इसका कलर दीजिएगा तब ये आपको समझ आ जाएगा कि ये बेवल क्या कर रहा है, थोड़ा सा इमेज को उभारता है, इस तरीके से बॉर्डर पर वर्क कर रहा है। या यदि आपको 3D रोटेशन से यहाँ पे अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है,
यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी आप बाहर क्लिक रखिएगा तो ये ऑप्शंस नहीं दिखेगा, जब भी आप अंदर क्लिक रखिएगा तभी ये आपका फॉर्मेट का ऑप्शन दिखाता है। इसके अलावा एक स्क्रीनशॉट का एक और तरीका है जिसे बोला जाता है स्नैपिंग टूल्स। तो आपको विंडोज़ में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है स्नैपिंग टूल्स, यहाँ पे आपका ऑप्शंस आ जाएगा, इसको आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक ऐसा इस तरीके से खुल जाता है बॉक्स, इसमें कई तरह के स्नैपिंग दिए गए हैं। एक दिया है फ्री फ्रॉम मीन्स इस पर जब क्लिक करिएगा तो ये आपको एरिया डिसाइड करने के लिए देगा, जितना भी आपको स्क्रीनशॉट करना है उतना आप एरिया सेलेक्ट कर लो। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, देखिए। तो इस तरह करने पे इसका स्नैपिंग टूल का अलग विंडोज़ होता है, उसमें आपका ओपन हो जाता है। इसको आप सेव करना चाहते हो तो सेव कर सकते हो, यहाँ पे हम नो कर देते हैं। दोबारा से हम ओपन करते हैं स्नैपिंग टूल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है रेक्टेंगुलर स्नैप का, इसको जब आप क्लिक कीजिएगा तो किसी भी चीज़ को आप रेक्टेंगुलर मोड में स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। इस तरह से हमने ले लिया, तो देखिए ये भी आपका एक उसी में मीन्स उसके सॉफ्टवेयर में खुल जाएगा आपका, और यहाँ से आप इसकी एडिटिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से हम MS Word में या स्नैपिंग टूल्स द्वारा या कीबोर्ड के प्रिंट स्क्रीन द्वारा कई तरीके से हम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो कैसे लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।